नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में आखिरी सांस ली प्रकाश सिंह बादल ने। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे प्रकाश सिंह बादल। सांस लेने में परेशानी होने के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था और लगातार 5 साल यानी कि 25 साल पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे प्रकाश सिंह बादल। हालांकि पिछली बार की विधानसभा चुनाव से थोड़ा राजनीति में निष्क्रिय दिखाई दे रहे थे। फोर्टिस अस्पताल में निधन हुआ है। 95 साल की उम्र में 95 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है प्रकाश सिंह बादल ने। 5 बार लगातार 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल। शिरोमणि अकाली दल के सबसे वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। सांस लेने में परेशानी होने के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था और 5 बार पंजाब के सीएम रहे थे प्रकाश सिंह बादल। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे और सांस लेने में परेशानी होने के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था। 5 बार के सीएम प्रकाश सिंह बादल, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हो गया। थोड़ी देर पहले उनका निधन हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल के सबसे वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल नहीं रहे और प्रकाश सिंह बादल का अब से कुछ मिनट पहले मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हुआ है। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए। नितिन का रुख करेंगे। नितिन, प्रकाश सिंह बादल नहीं रहे। नितिन देखिए शिवम, बिल्कुल एक दुखद खबर है। जिस तरीके से पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे थे प्रकाश सिंह बादल, आज उनके 95 साल की उम्र में निधन हो गया। बता दें कि अभी कुछ ही देर पहले ये निधन हुआ था, लेकिन मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हुआ था। बताया जा रहा था कि सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो काफ़ी दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे फोर्टिस में। तो उसके बाद आज उनने लास्ट आखिरी सांस 8:30 अपना अंतिम उनके जो आखिरी सांस थी उन्होंने ली थी। लेकिन बताया जाता है कि प्रकाश सिंह बादल अकाली दल के एक वरिष्ठ नेता थे। जिस तरीके से अकाली दल के जो संस्थापक थे वो आज बिल्कुल हमारे बीच में नहीं रहे और जनता के बीच में नहीं रहे, क्योंकि 5 बार के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, और पंजाब में एक शोक की लहर है। जिस तरीके से पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अकाली दल के अंदर काफी काम किए थे अपनी पार्टी के रहते हुए। 5 बार के मुख्यमंत्री, बता दें कि आजादी से पहले उन्होंने 1947 में सबसे पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन उसके बाद जब वो 1959 में प्रकाश सिंह बादल दोबारा विधायक बने थे, तो प्रकाश सिंह बादल ने 1970, 71, 77, 80, 97, 2002 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे। 1972, 1980 और 2002 में नेता विपक्ष भी रहे थे। बता दें कि प्रकाश सिंह बादल सांसद भी चुनाव लड़े थे, तो उससे पहले उन्होंने पंजाब के लिए काफी अच्छा काम किया था। लेकिन उसके बाद जब आज अकाली दल के वरिष्ठ संस्थापक जो थे प्रकाश सिंह बादल हमारे लोगों के बीच में नहीं रहे, तो उसको देखते हुए पंजाब के अंदर एक शोक की लहर डूब गई है, क्योंकि अकाली दल के एक वरिष्ठ नेता थे और इसी को देखते हुए पंजाब के अंदर एक शोक की लहर डूबी हुई है। जी, अकाली दल के सबसे वरिष्ठ नेता शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल इस वक्त नहीं रहे। कल हालांकि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन जो खबरें चल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही है, वो ये है कि उनकी जुगलबंदी हर एक राजनीतिक दल के साथ एक अच्छा सामंजस्य था, एक अच्छे रिश्ते थे प्रकाश सिंह बादल के, और इसी का नतीजा है कि एक इतने बड़े नेता के तौर पर वो देश भर में कहें या बल्कि पंजाब में कहें कि उभरे। नितिन देखिए, बिल्कुल इस तरीके की जब खबर सामने आई तो उसको देखते हुए तमाम जो नेता थे उनको जो है शोक की लहर डूब गई, क्योंकि कुछ ही देर पहले राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बातचीत करी थी फोर्टिस अस्पताल में, उनके हालात का जो है जायजा लिया था, फ़ोन पे बातचीत भी की थी। और लेकिन उसके बाद जब उनको पता लगा कि अभी कुछ ही देर पहले 8:30 प्रकाश सिंह बादल नहीं रहे हैं, पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेताओं के साथ में उनने जो है पूरी तरीके से अपना काम किया है पंजाब के अंदर, अपनी सरकार में उन्होंने तमाम जनता की सेवा की है, तो को देखते हुए जो है एक शोक की लहर है पंजाब में कल, क्योंकि इस तरीके की घटना सामने आई। तो कल उनका जो है अंतिम संस्कार बठिंडा में किया जाएगा, जहां उसके उनका जो आवास है पैतृक गांव, उस गांव में किया जाएगा, क्योंकि पंजाब में एक बड़ी शोक की लहर है। उस लहर को देखते हुए पंजाब के अंदर जो है तमाम जो नेता थे, तमाम बड़े बड़े जो चेहरे थे उस टाइम अकाली दल में जो वरिष्ठ नेता थे, उनकी गिनती आती थी। लेकिन उसके बाद अब जब अकाली दल के नेता भी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, तो पंजाब में जो है काफ़ी शोक की लहर है, क्योंकि इस तरीके की घटना जब सामने आई, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, सांस को देखते हुए प्रॉब्लम चल
रही थी, उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन उसके बाद जब डॉक्टरों से उनका बुलेटिन जो जारी करते तो उसमें जो है थोड़ा ठीक बताया जाता था कि आखिरकार सही तरीके से उनकी जो है मेंटेनेंस किया जा रहा है, उनको जो है सही तरीके से वेंटिलेटर पर लिटाया जा रहा है, उनसे सांस के लेने में दिक्कतें हो रही थी। लेकिन आज जब 8:30 बजे डॉक्टरों ने उन्हें जो है मृत्यु घोषित कर दिया तो उसको देखते हुए पंजाब के अंदर एक शोक की लहर है, क्योंकि उससे पहले अमित शाह और राजनाथ सिंह तमाम नेताओं की उनसे बातचीत हो रही थी, उनके जो है स्वास्थ्य का हालचाल जाना जा रहा था कि आखिरकार पंजाब के प्रकाश सिंह बादल जो 5 बार के मुख्यमंत्री हैं तो उनके हालचाल के लिए तमाम नेता फोन कर रहे थे, फोन पे कंटिन्यू बने हुए थे। लेकिन जब इस तरीके से शोक की लहर का खबर सामने आई तो उसको देखते हुए तमाम नेताओं के बीच में शोक की लहर है, क्योंकि ऐसे सबसे वरिष्ठ नेता है, क्योंकि इसने उन्होंने आज़ादी से पहले जो है विधानसभा चुनाव लड़ा था तो विधायक बन के गए थे, लेकिन उसके बाद सांसद भी बने थे तो और उसके बाद दोबारा भी मुख्यमंत्री बने थे, तो उसको देखते हुए क्योंकि 5 बार के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के अंदर उन्होंने सबसे अच्छा कार्य किया है, तो उसको देखते हुए जनता के बीच में भी उनका लगातार कंटिन्यू आना जाना रहता था। लेकिन 95 साल की जब उम्र उनकी हो गई और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई तो उनको जो है फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, लेकिन आखिरी सांस उन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल में लिए जी। वाकई में एक अपूर्णीय क्षति होगी पंजाब की राजनीति के लिए नितिन, देश की राजनीति के लिए प्रकाश सिंह बादल का इस तरह से गुजर जाना। देखिए बिल्कुल शिवम, इस तरीके से प्रकाश सिंह बादल का गुजर जाना और लोगों के बीच में जनता के बीच में रूबरू रहते थे उस समय देश के जो नेता हैं उनको एक वरिष्ठ नेता के रूप में उन्हें जो है माना जाता था, अकाली दल के एक संस्थापक थे, और उसके बाद जिस तरीके से जो घटना सामने आई और निधन की जो घटना सामने आते ही तमाम नेताओं के बीच में शोक की लहर है, क्योंकि इससे पहले भी 95 साल की उम्र में तमाम नेता उनसे मुलाकात करते थे, जाते थे, सभी को एक अच्छी तरीके से उनके साथ में बर्ताव करते थे, तमाम नेताओं के बीच में जाना लाना लगा रहता था उनका। लेकिन उसके बाद जब ये शोक लहर की खबर सुनना सामने आई तो उसी के बाद में जो है तमाम नेताओं ने जो है इस चीज को जो प्रतिक्रिया आने लगी, कहा कि इस तरीके के नेता आखिरकार हम लोगों के बीच में नहीं और ऐसे नेता हम लोगों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि 95 साल की उम्र में इन्होंने जितना काम किया जनता के लिए सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया है, क्योंकि 5 बार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता के बीच में भी रहते थे, जनता की सेवा करते थे पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब के लिए एक सबसे बड़ी दुखद खबर है। तो जिस तरीके 5 साल के जो मुख्यमंत्री आज हम जनता के बीच में रहे हैं तो पंजाब के अंदर जो है शोक की लहर डूबी हुई है जी। पर सांस लेने में तकलीफ हुई नितिन, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, क्या कोई बीमारी से भी जूझ रहे थे प्रकाश सिंह बादल, ऐसा कुछ इस तरह की कुछ अपडेट कोई खबर मिल पाई है अभी तक? देखिए शिवम बिल्कुल इस तरीके मोहाली के जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उसमें पंजाब सिंह बादल जो है काफ़ी दिन से अपने रूटीन चेकअप के लिए जाते थे तो आना जाना उनका लगा रहता था, लेकिन आज जिस तरीके से उन्हें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, डॉक्टरों का कहना था, उनके परिवार वालों का कहना था कि पंजाब सिंह बादल जो है पहले भी अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल में आते थे और यहाँ पर लगातार कंटिन्यू डॉक्टरों के संपर्क में रहते थे, लेकिन आज सांस लेने में काफ़ी समस्या करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके शोक जताया, शोक संवेदना जाहिर किया, वो ट्वीट स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, प्रकाश सिंह बादल का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करके लिखते हैं, प्रकाश सिंह बादल का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, मैंने उनके साथ कई दशकों तक निकटता से बातचीत की है, ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और उनसे बहुत कुछ सीखा है, मुझे हमारी कई बातचीत याद आ रही है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल का गुजर जाना मेरे लिए क्षति है, व्यक्तिगत क्षति है, उन्होंने कहा उनकी बातें याद आ रही जैसे उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा स्पष्ट होती हुई दिखती थी, उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं नितिन, प्रधानमंत्री का भी ट्वीट सामने आया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं खुले मन से और खुले मंच से कि प्रकाश सिंह बादल का गुजर जाना व्यक्तिगत क्षति है, उन्हें कोट किया इस चीज़ को, व्यक्तिगत क्षति, पर्सनल लॉस है प्रधानमंत्री का, देश का सबसे बड़ा नेता, देश का सर्वेसर्वा, देश का प्रधान आके ट्वीट कर रहा है और कह रहे हैं कि मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है उनका जाना, मेरी घंटों उनसे बात होती थी, दशकों तक बात होती रही और उनकी बुद्धिमत्ता की वो प्रशंसक रहे प्रधानमंत्री स्वयं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल से उनकी बातें होती थी, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही ट्वीट में लिखा है कि मेरे को काफ़ी चीज़ उनको उनसे सीखने को मिली है और मैंने उनसे जो है जितना सीखा है उतना मेरे लिए कम है, क्योंकि उससे पहले जो है प्रकाश सिंह बादल 95 साल की उम्र में थे, एक वरिष्ठ नेता थे, उनसे तमाम नेताओं ने ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी, क्योंकि राजनीति के वो एक गुरु माने जाते थे, तो उसी को देखते हुए प्रकाश सिंह बादल को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मेरे जाने उनके
जाने की मुझे बड़ी जो है दुखद है, और उसी को देखते हुए मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन उनसे फ़ोन पे भी घंटों घंटों बातें करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी चीज़ों को देखते हुए बातचीत करते थे, क्योंकि एक देश का प्रधान जो है खुद अकाली दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, 5 बार के मुख्यमंत्री से काफ़ी लंबी समय तक बातें करते थे, कंटिन्यू बने रहते थे। लेकिन उसी के बाद जब उन्होंने ट्वीट किया, तो क्योंकि इस तरीके की जो शोक की लहर आई, तो तमाम नेताओं में जो काफ़ी शोक है, क्योंकि इस तरीके के जो वरिष्ठ नेता थे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को जो जनता को भी मिला, और जो और भी नेता हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या चाहे कोई भी नेता हो, उनको काफ़ी चीज़ सीखने को मिली, क्योंकि इस तरीके का नेता मिलना बहुत मुश्किल होता है। अकाली दल के एक वरिष्ठ नेता और पंजाब के भी जो है काफ़ी उन्होंने काम किए हैं, काफ़ी जनता के बीच में रूबरू रहे हैं, जनता की उन्होंने काफ़ी सेवा की है, तो जनता ने उन्हें 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, तो उसी को देखते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके की घटना को जो निधन हुआ है उन पर काफ़ी दुखद घटना है, और इसी को देखते हुए जनता के बीच में जो कंटिन्यू नेता बना रहता था और इसी के बीच में जनता के बीच में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि ऐसे नेता कभी किसी को नहीं मिलते जो जनता के बीच में जाते हैं और जनता की जो सेवा करते हैं। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे हैं कि मैंने उनसे काफ़ी चीज़ सीखने को मिली है, और मेरे को जो है घंटे घंटे उनसे फ़ोन पर बात भी कंटिन्यू बने रहते थे जी। ठीक है, और इसके साथ साथ नितिन, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, उनसे भी काफ़ी अच्छे संबंध हुआ करते थे प्रकाश सिंह बादल के, दोनों नेताओं की घंटों मुलाकात होती थी, घंटों फ़ोन पर बातचीत हुआ करती थी, और राजनीति के बारे में भी एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे। देखिए शिवम, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी की भी पहले मुलाकात जो है प्रकाश सिंह बादल से होती थी, घंटों घंटे उनकी मुलाकात होती थी, फ़ोन पे भी कंटिन्यू लगे रहते थे दोनों नेता, और ऊपर राजनीति में जो है एक सम जो है सक्षम माने जाते थे, एक वरिष्ठ नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता थे उस समय पे, क्योंकि आखिरकार जनता भारतीय जनता पार्टी में जो अटल बिहारी की वाजपेयी जो कुछ कहते थे तो उसको जो है मानना पड़ता था, ऐसे ही प्रकाश सिंह बादल थे। प्रकाश सिंह बादल भी अपने अकाली दल के संस्थापक थे, और तमाम जो नेता थे जो बात वो बोल देते तो वो बात उनकी जो है कटती नहीं थी, तमाम नेताओं के बीच में हर चीज़ को देखते हुए वो अपनी बात रखते थे, तो तमाम बातें उसमें मानी जाती थी। लेकिन उनका कहना था कि प्रकाश सिंह बादल से भी उनकी काफ़ी लंबे लंबे घंटे घंटे मुलाकात होती थी, चाहे वो फ़ोन में बात करें या उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हों, तो उसी को देखते हुए दोनों नेताओं की पहले भी घंटे घंटे बात होती, क्योंकि ऐसे नेता जो है बहुत मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके की जब घटना सामने आती है तो तमाम नेताओं में शोक की लहर डूब जाती है, तमाम नेताओं के साथ में अच्छे अच्छे संबंध रहते हैं, क्योंकि सबसे वरिष्ठ नेता रहते हैं, तो उनसे काफ़ी सीखने को इन लोगों को मिलता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के अपना जिक्र करें, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मेरे को इतना सीखने को मिला है। प्रधानमंत्री ने भी प्रकाश सिंह बादल से जो है काफ़ी घंटे घंटे बात करते थे, उनके स्वास्थ्य का भी हालात जो है जानना करते थे, खुद राजनाथ सिंह भी उनसे फ़ोन पे कंटिन्यू लगे रहते थे, उसके बाद अमित शाह भी जो है फ़ोन पे उनसे कंटिन्यू लगे रहते थे, उनके स्वास्थ्य का हाल जानते थे, क्योंकि 95 साल की उम्र हो गई थी, तो उम्र में जो है सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्हें मोहाली के जो फोर्टिज हॉस्पिटल है उसमें एडमिट कराना पड़ा जी। बहुत शुक्रिया आपका निधन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जरा आप ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं प्रकाश सिंह बादल के बारे में। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 2007 में चौथी बार सीएम बने थे प्रकाश सिंह बादल, 2017 में 5वीं बार संभाला था मुख्यमंत्री का पद, शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक भी थे प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल के पिता थे प्रकाश सिंह बादल, पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल ने 1947 में राजनीति में पहली मर्तबा कदम रखा, 1969 में प्रकाश सिंह बादल दोबारा विधायक बने, 1970 से 71, 77 से 80, 97 से 2002 तक मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद भी रह चुके थे प्रकाश सिंह बादल। तो करियर है वो हम आपको उनका बता रहे हैं ग्राफिक्स में एंड पॉइंटर में प्रकाश सिंह बादल के बारे में। 2007 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे पंजाब के, और 2017 में 5वीं बार मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला था। और इसी के साथ बुलेटिन में ताई खबरें लगातार जारी हैं।